दोस्तों नमस्कार, मैं योगाचार्य डॉक्टर राजेश वर्मा। आइए आज आपको पूर्णतः प्रमाणित और शुद्ध आयुर्वेदिक और देसी घर में बनाया हुआ सैनिटाइजर बनाने का तरीका बताते हैं, जो बहुत ही सिंपल है, जिसको आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वह पूर्णतः प्रमाणित है और पूर्णतः शुद्ध है और आयुर्वेदिक है, जो आपको पूरी तरह से वायरस से बचाएगा, बैक्टीरिया फ्री करेगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें एक गिलोय गिलोय जो आपको हर कहीं मिल जाती है, गिलोय के ऑप्शन में अगर आपको गिलोय की ये डंडी नहीं मिल पाती है तो उसकी जगह आप गिलोय घनवटी या गिलोय रस ले सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें मुख्य रूप से चाहिएगा इसमें लगभग 400 से 500 ग्राम नीम के पत्ते। तीसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिएगा इसमें नींबू के 20 से 30 पत्ते अश्वगंधा। अगर अश्वगंधा आपको कहीं ना मिले तो उसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं, अश्वगंधा रस ले सकते हैं, अश्वगंधा वटी ले सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट हमारा इसमें है फिटकरी, जो लगभग 50 ग्राम फिटकरी लेना है। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा कपूर, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। आइए हम क्या करते हैं, इसको बनाने का तरीका देखते हैं। एक बर्तन में हम लगभग 1.5 लीटर पानी ले लेंगे। 1.5 लीटर पानी लेकर के उसको धीमी आंच पर ये नीम के सारे पत्ते हम इसमें डाल देते हैं, जिनकी मात्रा लगभग 400 से 500 ग्राम है। 20 से 30 पत्ते मैंने आपको बताया अभी नींबू के पत्ते, जो आपके हथेलियों को, आपके चेहरे को अच्छी फ्लेवर भी देंगे। बारीक करके काट लेते हैं। काटने से क्या होता है कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, इसका जो जूस है अंदर तक निकल जाता है। अश्वगंधा के पत्तों को भी इसी तरह बारीक काट लेते हैं। इसी तरह मैंने अभी आपको बताया था जो गिलोय है, गिलोय की ये तीन डंडी बहुत होती हैं, लगभग 6 से 8 इंच लंबी, इनको मैंने कूट कर रखा है। कूट करके इनको भी काट करके इसी पानी में डाल देते हैं। लगभग 1.5 लीटर पानी लेना है। इस 1.5 लीटर पानी में आपको ये सब मिक्स कर देना अच्छे से और इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये 1.5 लीटर पानी आधा ना रह जाए, यानी 1.5 लीटर पानी लगभग 750 ग्राम, जब 750 ml जब रह जाता है तब इसको हम गैस को बंद करेंगे। अगर हमने इसको पकाते हुए 10 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पकाया और ये लगभग 750 ml पानी रह गया, यानी 1.5 लीटर हमने पानी शुरुआत में रखा था, जिसका धीमी आंच पर पकते पकते ये 750 ml के आसपास रह गया। अब हम इसको छानते हैं दूसरे बर्तन में। एक अच्छी खुशबू के लिए भी जो इसमें नींबू के पत्ते हमने मिलाए थे वो आपको एक अच्छे फ्लेवर भी देंगे। और ये जो बचा हुआ है इसको भी आपको फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको दोबारा पानी में पका करके स्नान करने के काम में ले सकते हैं, आप अपने नहाने के पानी में इसको मिला सकते हैं। अब हमने दूसरे बर्तन में जिसमें ये पानी छाना उसमें हम नीचे हल्की गैस जला देते हैं। अब हम हमारे पास जो फिटकरी थी लगभग 50 ग्राम, इस 50 ग्राम फिटकरी को हम दोबारा से इसमें पकने के लिए डाल देते हैं, इसको धीमी आंच पर पकने देते हैं। यहीं पर इसमें हम ये जो ये पूजा में कपूर इस्तेमाल होता है, इसके लगभग ये इसमें 5 टिक्की होती है, इनको भी इसमें डाल देते हैं। अब इसको धीमी आंच पर थोड़ा पकने देते हैं, इसको लगभग हम कम से कम 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे।
फिटकरी और कपूर के इसमें घुलने तक। इस प्रकार हमने देखा, इसको हमने धीमी आंच पर लगभग 5 मिनट तक कपूर और फिटकरी डालने के बाद पका दिया है। अब हम इस हमें इसके लिए एक और ज़रूरत पड़ेगी, एक इस बर्तन की, दूसरा ये बारीक कपड़ा ले लेते हैं कॉटन का, इसकी 3 से 4 तह बना लेते हैं और इसके ऊपर इसको इस प्रकार ढक देंगे। गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसको इस कपड़े के ऊपर, जिससे ये छन करके हमारे नीचे बर्तन में इकट्ठा हो जाता है और जो जो इसके मोटे हिस्से हैं वो इस कपड़े में छनकर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं हमारा पूरी तरह प्राकृतिक प्रमाणित शुद्ध घर में बनाया हुआ सस्ता सैनिटाइजर तैयार है। इस सैनिटाइजर को आप मात्र हाथों पर लगाने के लिए नहीं, आप इसको चेहरे पर भी लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं। पूरी बॉडी पर लगाने के साथ साथ आप इसको अपने घर को पूरा हाइजीन रखने के लिए पूरे घर में इसका पोछा भी लगा सकते हैं। पोछे के रूप में आप इसको इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं और पोछे का रूप में इस्तेमाल करने में अगर आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, इसमें थोड़ा गौमूत्र या गौमूत्र अर्क मिलाते हैं तो उसके और ज़्यादा लाभ होते हैं। इस प्रकार हमारा सबसे सस्ता होममेड सैनिटाइजर तैयार है। इसके लिए हम बाज़ार से इस तरह की स्प्रे मिल जाते हैं 20-30 रुपये का, कहीं भी कॉस्मेटिक्स की दुकान पर। ठंडा होने के बाद में हम इसको इसमें भर लेंगे और जब भी आप बाहर निकलें अपने साथ रखें, या हर ज़्यादा से ज़्यादा जब भी ज़रूरत पड़े कोरोना वायरस या किसी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरस से बचने के लिए इस सैनिटाइजर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस तरह के सैनिटाइजर को अपने घर में भी बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।